नमस्कार दोस्तों, आर्ज की कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कारक भाग तीन, दो भाग पूर्व में अपलोड कर चुका हूं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। तो प्लीज उन दो वीडियो को जरूर देखें। वो कारक के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन भाग था। आज भाग तीन, इसमें हम संबंध कारक, अधिग्रहण कारक और संबोधन कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अधिग्रहण कारक के बारे में बताऊंगा। अधिग्रहण कारक, जिसके कारक चिन्ह है मैं, पर, पे, के ऊपर, के भीतर, के बाद, के पहले। अर्थात देखिए, क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है, कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जाती है, वो क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है, व्याकरण में वह स्थान या समय संबंधी आधार जो है वो अधिग्रहण कहा जाता है। क्रिया का स्थान, आधार, समय, शर्त, जो भी क्रिया का आधार है वो अधिग्रहण कारक कहा जाता है। तो अधिग्रहण यानी आधार, आपको ऐसे याद करना है, अधि आधार, अधि से इसको आधार को जोड़ना है। ये दोस्तों मेमोरी ट्रिक्स है, इनको भी आप फॉलो करें, यानी जब भी किसी टॉपिक को याद करना हो तो उसे अपने दिमाग में इस तरह से सेट करें, अपने दिमाग में पूर्व में जो जानकारियां हैं उनके साथ उनको कनेक्ट करें, ताकि वो टॉपिक आते ही हमें हमारी पुरानी जानकारी से वो लिंक होगा और हमें फट से याद आ जाएगा। तो अधिकरण आधार, अधिकरण यानी आधार, यानी क्रिया का आधार, यानी क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित हो रही है उसका आधार क्या है, वो अधिकरण कारक है और ये इसके कारक चिन्ह है। जैसे उदाहरण देखते हैं, किताब मेज पर रख दो। तो किताब को कहां रखा जा रहा है, मेज के ऊपर, ये क्रिया का आधार है तो ये अधिग्रहण कारक है। घर के भीतर क्या कर रहे हो, किसके भीतर, घर के भीतर, अधिग्रहण कारक है। बिल्ली रसोई में है, बिल्ली कहां पे है, रसोई में, यानी बिल्ली के होने की क्रिया का आधार क्या है, रसोई है, तो ये अधिग्रहण कारक है। इसी प्रकार मैं दोपहर को पहुंचूंगा, पहुंचने की क्रिया का आधार क्या है, मैं तो करता है, पहुंचूंगा क्रिया है, को कारक चिन्ह है। अब मैं कर्ता के पहुंचने की क्रिया का आधार है दोपहर, तो दोपहर कारक है, अधिकरण कारक है, यानी क्रिया का आधार है इसलिए ये अधिकरण कारक है। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, इसको ऐसे इन चीजों को दिमाग में सेट करना, अधिकरण आधार, अधिकरण आधार, अधि आधार, यानी क्रिया का आधार ही अधिकरण कारक है। अगला है संबोधन कारक, शब्द से स्पष्ट है, संबोधन यानी किसी को संबोधित करना, हम किसी को बुलाते हैं, संबोधित करते हैं, उसके लिए जिन कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो उसमें संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक के कारक चिन्ह हे, ओ, अरे, ये सब है। अर्थात वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है, अर्थात जिसे किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं, यानी जिसे संबोधित किया जा रहा है उसको संबोधन कारक कहते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात कि सिर्फ संबोधन कारक का चिन्ह जो है वो संबोधित संज्ञा के पहले आता है, अन्य कारकों में कारक चिन्ह जो है वो संज्ञा के बाद आता है। जैसे देखिए, मेज पर, तो कारक चिन्ह मेज के बाद आया, रसोई में कारक चिन्ह रसोई के बाद आया, दोपहर को कारक चिन्ह दोपहर के बाद आया। इस प्रकार जो है संबोधन कारक चिन्ह, संबोधन कारक का चिन्ह जो है वो संबोधित संज्ञा के पहले आता है।
जैसे उदाहरण देखते हैं, हे लड़के इधर आओ, तो लड़के को संबोधित कर रहे हैं, इसका संबंध है हे, तो हे कारक चिन्ह जो है वो संबोधित संज्ञा से पहले आया। भाइयों और बहनों संबोधित किया जा रहा है, संबोधन कारक है। अरे भाई झूठ मत बोलो, तो ये अरे संबोधन कारक है। सबसे अंत में आखिरी कारक संबंध कारक। संबंध शब्द से स्पष्ट है कि संबंध जोड़ना, दो संज्ञा के बीच में, सर्वनाम के बीच में संबंध जोड़ना, तो स्पष्ट है बिल्कुल संबंध कारक। इसके कारक चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, अर्थात वाक्य में जिस पद से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से संबंध प्रकट हो, उसे वहां संबंध कारक कहलाता है। जैसे अंशु की बहन आशु है, तो अंशु और आशु के बीच में संबंध प्रकट करने के लिए की कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसमें संबंध कारक है। मेरा चश्मा बहुत कीमती है, मेरा और चश्मा के बीच में संबंध प्रकट हो रहा है, रा आ रहा है इसमें। मेरी उम्र 50 वर्ष है, मेरी और उम्र के बीच में संबंध, 50 वर्ष के, मेरी उम्र और 50 वर्ष के बीच में संबंध, री संबंध बता रहा है कि इनकी उम्र, कर्ता की उम्र जो है वो 50 वर्ष है, उम्र के बीच में और इसके संबंध। फिर पांचवी कक्षा में कितने छात्र हैं, तो कक्षा में छात्र जो है, पांचवी कक्षा में कितने छात्र है, छात्रों के बीच में संबंध। इसी प्रकार पांच मिट्टी के घड़े लाओ। तो इस प्रकार दोस्तों इन कारकों को याद करना है। प्लीज वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज घंटी के निशान को दबाना ना भूले, ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और प्लीज उन दोनों भाग को जरूर देखें, एक अंत में एक नजर फिर से सभी कारक चिन्हों पर, यानी कारक और उनके कारक चिन्ह। कर्ता कारक का कारक चिन्ह है ने, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को, करण का से, के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए को, अपादान कारक से, संबंध का के की, अधिकरण कारक मैं पर, संबोधन कारक हे अरे, कर्ता यानी कार्य को करने वाला मैंने पूर्व बताया है, कर्म यानी कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है उसका फल किस पर पड़ रहा है, क्रिया का फल, कर्ता कार्य करने वाला, कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़ रहा है, करण उपकरण, करण को ऐसे याद करना है, उपकरण यानी क्रिया का साधन, क्रिया का माध्यम, क्रिया का उपकरण, करण कारक, संप्रदान, संप्रदान यानी देना, दान से याद करना है, देना यानी कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, कर्ता जो है वो जिसके लिए क्रिया करता है, कर्ता किसी और के लिए क्रिया कर रहा है, उसमें संप्रदान कारक होगा, इसको ऐसे याद करना है, दान यानी देना, संप्रदान। फिर अपादान अ से याद करना है, अ अलग होना, अपादान अलग होना या तुलना करना, तो जिसमें तुलना की जा रही है अथवा एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता पेड़ से टूटकर अलग हो गया, तो उसमें अपादान कारक होगा। संबंध कारक शब्द से स्पष्ट है, संबंध बताना दोस्तों के बीच में का के की। अधिकरण कारक क्रिया का आधार, अधिकरण, अधिकरण यानी आधार, क्रिया का आधार, तो उसमें अधिकरण कारक। और संबोधन कारक यानी संबोधित करना, हे अरे। इस प्रकार एक उदाहरण भी देख लेते हैं,
जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो इस क्रिया को संपन्न करने में तीन संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है। नंबर एक है राम, दूसरा है रावण, तीसरा है बाण। तो राम तो है मारा क्रिया का कर्ता, राम करता है। अब क्रिया का फल जिस पर पड़ा वो है कर्म, तो फल किस पर पड़ा? राम ने जो बाण मारा इस क्रिया का फल रावण पर पड़ा, तो रावण हो गया कर्म। और बाण मारने की क्रिया का उपकरण यानी साधन है, तो ये हो गया करण कारक। इस प्रकार दोस्तों प्लीज उन पूर्व वाले दो वीडियो को जरूर देखना, और ये वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूले, ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।